मेरा बेटा गया है, अर्जुन सिंह कभी ना चिंता नहीं बचेगा, मेरा बेटा गौतम। आवाज बंद कर लीजिए महाराज जी। तुम कैसे छूट गए? अभी बताता हूँ। मैं भी आई हूँ महारानी जी। तुम भी आई? राजा जी, ये राजसी पोशाक आपके ऊपर अच्छा नहीं लग रहा है। बदल पछे नहीं लग रहे, तुम तो पतले हो गए। आप जैसे मंगता दिखाई दे। बाबा जी ने कहा था क्या? इसे पकड़ लो। अभी बात मत करो बाबा जी की। इसे पकड़ लो राजा, अभी बताती हूँ। अर्जुन सिंह, मेरा बेटा गौतम आया तो तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। आ गया गौतम, आ गया बेटा गौतम। ये कैसे छूट गए? सुन मेरी बात, ना तुम मेरा पिता, ना मैं बेटा तेरा, ना तुम। जानना चाहोगे कौन है? ये कौन है? हमारा बेटा नहीं है। तुम्हारा बेटा नहीं है? ये कौन है? ये पलंगपुर का हमारा लड़का। हमारा लड़का, इसका नाम जुबैर खान है। ये जुबैर खान है। हाँ, और सुनो, मुसलमान है। मुसलमान? हाँ, इसे तुम लाए। हाँ, नकली राजा। क्या मुसलमान इंसान नहीं होते हैं? लेकिन आपके हाथ में हंटर अच्छा नहीं लग रहा था। नहीं तो मेरे हाथ में अच्छा नहीं लग रहा है। समझाया था, बचना मत, लेकिन मानते नहीं हो। आदत से मजबूर हो। बहुत समझाता हूँ कि आगे गलती मत करो, नहीं पीछे। सुनो, आओ इधर आओ राजा जी, इधर आओ। आ जाओ इधर, आओ इधर, आओ क्योंकि उल्टा चलता है। सुनो, ये कौन है बताऊं? रामगढ़ आपके ससुराल थी? हाँ, मेरी ससुराल रामगढ़ थी। वहाँ जाते थे? जाता था। तो 10-10 दिन 15-15 दिन वहीं रहते थे? हाँ, तुम्हारे यहाँ? मेरे यहाँ। तो रामगढ़ चौराहे पर एक कोठा था, बहुत बड़ा कोठा था। हाँ, वो तो रंडियों का कोठा था। हाँ, तो उसी कोठे की ये रंडी है। रंडी है, इसका नाम गुलब्बो है। गुलब्बो, गुलब्बो रंडी, मेरी शादी रंडी के साथ। सुनो, ये मेरी प्रेमिका है। तुम्हारी शादी किसके साथ? अरे तैयार रजू, रंडी का रंडी बताता है। अरे तैयार, अरे तैयार, अरे मैं ज्ञानपुर की महारानियों की रंडी हूँ। महारानी, तुमसे बताओ रहा कि हल्के हल्के काम करा करो, लेकिन तुमका वजन के आवत है। एक दिन मुझसे कह रहा था कि शक्तिगंज चौराहे पर मैंने एक इंजेक्शन लगवाया था, वो दो खुराक दवा लिया था, 100 रुपए मिली थी ना, फिर कल जाना लगवाना। फिर कल जाना। एक काम करो, यहाँ आओ, यहाँ आओ। तुम जाओ पलक की कमर दूर हो, जाओ पलक पर सो जाओ। हाँ, और मैं से है, सुनो, तेरे जैसे रंडी चाहे। मैं ज्ञानपुर रियासत की महारानी हूँ और मैं चल रही हूँ। प्रिय बहुत थक गई हूँ, प्रिय राजा जी बहुत थक गई हूँ, अब मैं चल रही हूँ आराम करने। देखो
घूंघट में घूंघट में देखिए, देखो चबक चुमा लेते हैं, देखिए चबक चुमा लेते हैं। अरे तो गली की रंडी है। सुनो जनकपुर के महाराज महिपाल सिंह, तुम्हारे हाथ बहुत दान किए हैं। बहुत दान किया है, बहुत दान किया है ना। इन हाथों को कटवाऊंगा और कटवाने के बाद मेरे हाथ कटवाओगे? हाँ, और कटवाने के बाद नजदीकी बाजार से एक सिल्वर का कटोरा मंगाऊंगा और वो कटारा कटोरा तुम्हारे हाथ में होगा। तुम भीख मांगोगी? भीख? अच्छा नहीं होगा कि मैं अपनी प्रजा से भीख मांगू। मांग मांग माफी मांग, भीख 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 भीख। और दे दाता के नाम तुझको